हेलो एवरीवन आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैश मेमोरी के ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे कि कैश मेमोरी क्यों चाहिए कहाँ पे प्लेस्ड होता है एंड uh, इसके मैपिंग मेथड्स क्या होता है एंड वी विल आल्सो बी डूइंग सम न्यूमरिकल्स ऑन दिस देर आर थ्री मैपिंग मेथड्स बेसिकली डायरेक्ट एसोसिएटिव एंड के एसोसिएटिव तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सो लेट अस गो अहेड सो जनरली वी हैव अवर प्रोसेसर सी पी यू ओवर ईयर और फिर मेन मेमरी में हम क्या करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस रखते एंड जब भी वो इंस्ट्रक्शंस को फैच करना रहता है एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल हमने पहले के मॉडल्स में पढ़ा है कि इंस्ट्रक्शंस मेन मेमरी से फैच होते हैं और फिर यहाँ पर आके डी कोड हो के एजीक्यूट होते सी पी यू में नाउ एवरी टाइम वी फैच एन इंस्ट्रक्शंस इट टेक समाइम रीड करने का कुछ टाइम लगता है यहाँ पे सो नाओ इफ आई हैव सेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो एक लूप में है और वो बार बार मैं फैच कर रहा हूँ सी पी यू में सो so कुछ तो फेच टाइम होगा एंड लेटर से वो लूप कंटिन्यूसली रन हुए जा रहा है हुए जा रहा है और हर बार मुझे उसको फैच करना पड़ रहा है सी पी यू को फैच करना पड़ रहा है तो रिलेटिवली टाइम रिक्वायर्ड इज़ मोर सो कैश मेमोरी क्या होता है कि कैश मेमोरी एक फास्टर एक्सेस मेमोरी है जिसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस टाइम काफ़ी कम होता है एंड इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी नाउ व्हाट वी डू इज कि ये जो लंप ऑफ प्रोग्राम है एक सेक्शन ऑफ प्रोग्राम है एक ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम है उसको हम लोग ला कैश मेमरी में रख देते हैं। और ये कैश मेमोरी में रहने पे क्या होगा कि अगर वापस से सी पी यू सेम एड्रेस जनरेट करेगा तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग मेन मेमरी फर्स्ट इट विल चेक कैश मेमोरी में वो प्रोग्राम है क्या वो इंस्ट्रक्शन है क्या और अगर वो इंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसको हम लोग कैश हिट बोलते हैं और अगर वो नहीं रहेगा तो मिस बोलता है तो अगर मिस होगा तो इट विल गो अहेड एंड टेक इट फ्रॉम द मेन मेमोरी बट अगर आपने कैश मेमोरी लगाया तो वो उसका एक सेक्शन उस एरिया का एक ब्लॉक ला के यहाँ पे रख देगा कैश मेमोरी में सो केस नेक्स्ट टाइम वापस से वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लगेगा या उसके आगे वाला इंस्ट्रक्शन लगेगा तो वो हमारे काम आ जाएगा और प्रोग्राम का जो कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिलेटिवली कम हो जाता सो दिस इज़ हाउ कैश हेल्प्स अस सो वंस अगेन कैश मेमोरी इज अ मेमोरी जो हम लोग सीपी और मेन मेमोरी के बीच में रखते सी को कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच करना होता है तो वो सबसे पहले जनरेट करता है उसका एड्रेस कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स कॉम्प्लीकेटेड हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे कि वो है फिजिकल एड्रेस ठीक है तो सीपीयू ने फिजिकल एड्रेस जनरेट किया वो फिजिकल एड्रेस पे जाके वो फिजिकल एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा वो यहाँ पे क्या होना है फेच होना है सीपीयू में डिकोड होके एग्जीक्यूट होने के लिए ना अगर हम कैश मेमोरी यूज कर तो यहाँ पे सिस्टम क्या करता है सबसे पहला कैश में चेक करता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी का कॉपी यहाँ पे है क्या अगर रहेगा तो वो डेटा यहीं से ले लेगा और ये वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिट बोलते हैं कैश हिट अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा वो वाला जो इंस्ट्रक्शन है अभी के लिए तो ठीक है डायरेक्ट सीपीयू को दे दो प्लस दिस ब्लॉक यहाँ पे हम क्या करते हैं कैश में कॉपी करके रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर यूज हो तो हम क्विकली यहीं से एक्सेस कर लें ठीक है ये जनरली लूप्स में काफ़ी हेल्पफुल होता नाउ देर माइट बी सिस्टम्स जहाँ पे मल्टीपल कैश लेवल्स यूज हों हाई एंड लेवल्स सिस्टम जो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स या जहाँ पे हाई एंड सर्वर्स यूज होते हैं तो वहाँ पे तीन लेवल तक के कैश होते हैं तो वो सबसे पहला लेवल वन में चेक करेगा यहाँ नहीं मिला तो लेवल टू में नहीं मिला तो लेवल थ्री एंड देन इट विल गो एंड टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी मेन मेमोरी और उसकी कॉपीज़ वो सब जगह पे ला के स्टोर कर देता आई होप कैश मेमरी आपको क्लियर है कि कैसे काम करता नाउ वी हैव टू गो हैड एंड चेक कि वो डेटा जो हम मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में कॉपी करते हैं, वो कैसे होता सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मेमोरी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं कि लेटेस्ट से ये हमारा मेन मेमोरी है अब इस मेन मेमोरी में क्या होगा इंडिविजुअल लोकेशंस होंगे जहां पे हम इंस्ट्रक्शंस या डेटा स्टोर करने वाले हैं ये जो इंडिविजुअल लोकेशंस है उनको हम यहाँ पे इन जनरल बोलने के लिए तो वर्ड लेंथ बोलते हैं बट मेजॉरिटी टाइम्स हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पे हम वन वर्ड को वन बाइट लेने वाले हैं इट कैन बी टू बाइट्स इट कैन बी फोर बाइट्स वो वेरी करता है बेस्ड ऑन कौन सा हम सिस्टम यूज कर रहे हैं बट मेजॉरिटी टाइम्स हमारे कैलकुलेशन में तो वन बाइट ही रहेगा सो वॉट वी हैव ओवर इज की मेन मेमोरी जो है वो डिवाइडेड है वर्ड्स में सिंगल सिंगल वर्ड्स में सो अस से आई हैव अ मेमोरी बहुत बेसिक से एग्जांपल ले रहे जहाँ पे खाली चार लोकेशंस है डेटा स्टोर करने के लिए और हर एक लोकेशन में मैं वन बाइट स्टोर कर सकता हूँ तो यहाँ पे वन बाइट आ जाएगा यहाँ पे वन बाइट आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे तो टोटल मैं कितने बाइट स्टोर कर सकता हूँ फोर बाइट्स क्योंकि फोर लोकेशन है अब यहाँ पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान दे दो कि ये फ़ोर को मैं यहाँ पे टू के पावर्स में लिख सकता हूँ तो कैसे लिखूंगा तो इट विल बी रिटर्न एज टू तो रेज टू टू बाइट्स तो ये टू रेज टू टू लिखना क्यों चाहिए अपने को क्या ज़रूरत है इसका तो ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब मैंने अगर चार बाइट का ही मेमोरी बनाया और सी को इसे एक्सेस करना है तो सी को बताना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन से हमें जो डेटा चाहिए अब वो पर्टिकुलर लोकेशन आइडेंटिफाई कैसे होगा तो वो आइडेंटिफाई होगा उसके यूनिक एड्रेस से सो so हर एक लोकेशन को हमको क्या करना पड़ेगा एक यूनिक एड्रेस देना पड़ेगा तो यहाँ पे जो एड्रेस के बिट्स होंगे हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में हम कर पाए तो अगर मैं दो ही बिट यूज करूंगा तो कितने यूनिक एड्रेसेस में जनरेट कर सकता हूँ सो आई कैन हैव जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये हम ट्रूथ टेबल पढ़ते वक्त या लॉजिक गेट्स पढ़ते वक्त हमने ये ऑलरेडी देखा रहेगा तो ये चार बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया चार कॉम्बिनेशन हो गया दो बिट यूज करके ओके सो पावर ऑफ टू अस कितना बिट्स यूज होगा यहाँ पे टू रिप्रेजेंट दी एड्रेस और टू रिस्ट टू टू हमको बता देता है टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं या टोटल लोकेशंस कितने हैं और हर एक पे अगर हम वन बाइट स्टोर कर रहे हैं तो टोटल हो जाएगा फोर बाइट और एक, एक ले लेते हैं के लिए कि से मेरे पास टोटल एट बाइट है तो जीरो से लेके सेवन तक देंगे सो तो टोटल कितने हो गए अब एट एड्रेसेस हर जगह पे वन बाइट करूंगा तो टोटल मेमोरी का साइज कितना हो गया एट बाइट तो ये एट को मैं कैसा लिख सकता हूँ टू रेस टू थ्री बाइट सो टू रेस टू थ्री लिखने से मेरे को क्या समझ में आ गया कि एट लोकेशंस के लिए जो मुझे एड्रेस जनरेट करना है उसके लिए जो सबसे सिंपल या मिनिमम नंबर ऑफ़ बिट्स जो मुझे लगेगा वो कितना है थ्री है तो ज़ीरो को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तीन जीरो से वन को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो ज़ीरो वन टू के लिए ज़ीरो वन ज़ीरो थ्री के लिए ज़ीरो वन वन सिमिलरली फोर के लिए वन जीरो जीरो फाइव आ गया सिक्स आ गया और सेवन के लिए वन 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 सो वॉट आर दीज दीज आर एट यूनिक कोड्स जो मैं जनरेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग मेमोरी लोकेशन को अलग एड्रेस देने पड़ेंगे आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन सो इतना डिस्कशन करके हमने क्या पता लगाया कि अगर हमको कोई मेमरी दिया हुआ है, तो लेटेस्ट से हमारे पास एक मेमरी है जिसके पास हम 64 बाइट स्टोर कर सकते हैं तो ये हो गया बाइट नंबर जीरो बाइट नंबर वन बाइट नंबर टू उसके एड्रेसेस हो जाएंगे तो ज़ीरो से लेके कहा तक रहेगा 63 और हर जगह पे हम वन बाइट स्टोर कर सकते हैं डेटा तो टोटल इसका साइज कितना हो गया 64 बाइट अब 64 बाइट को अगर हम पावर ऑफ टू में लिखने जाएं सो इट कम्स आउट टू बी एस टू रेस टू सिक्स ये आप ट्राई कर लेना ये आप नोट कर लेना टू रेज टू फाइव या थर्टी टू होता है टू फिफ्टी सिक्स होता है टू रेज टू नाइन अगर रहेगा तो फाइव वन टू रहेगा टू रेज टू टेन को हम लोग वन किलो लेते हैं विच इज़ वन जीरो टू फोर टू रेस टू ट्वेंटी है तो वो क्या होगा वन किलो इंटू वन किलो बेसिकली उसको हम वन मिलियन या वन मेगा बोलते हैं देन टू अगर है तो वन गीगा हो जाएगा टू रेस्ट टू फोर्टी है तो वन टेरा हो जाएगा एंड सो ऑन ठीक है तो मेजरली ये वैल्यूज हम लोगों को काम आने वाले मेमोरीज अगर दिया है अलग अलग तो उसमें असाइन करने के लिए सो ओवर ईयर सिक्सटी फोर हम कैसे लिख सकते हैं टूरेज टू सिक्स सो यहाँ पे जो एड्रेस जनरेट होगा वो मिनिमम कितने बिट का होना चाहिए सिक्स बिट का सो so, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया वो किस लिए लिया टू रिलेट फिजिकल एड्रेस में कितने बिट्स लगने वाले मेमोरी का साइज मेन मेमोरी का साइज सो so, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेटर से आपको बताया है कि मेन मेमोरी जो है वो सिक्सटीन के बी का है तो इसके लिए फिजिकल एड्रेस बिट कितना होगा सो अस क्विकली कैलकुलेट सिक्सटीन को आप लिख सकते टू रेस टू फोर के मतलब यहाँ पे किलो हो गया और किलो के लिए इट इज हाउ मच टू रेस टू 10, तो इतने बाइट्स है तो ये हो गया 2 रे टू 14 बाइट्स टोटल सो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि जो फिजिकल एड्रेस है उसके बिट्स कितने होने चाहिए 14 तभी आप 16 केबी के मेमोरी के सारे लोकेशंस को क्या दे सकते हो एक यूनिक एड्रेस तो ये दोनों चीज आप याद रखना अगर आपको साइज दिया है तो आप बिट्स निकाल सकते हो अगर आपको बिट्स दिया है तो आप पावर ऑफ टू में डाल के उसको सॉल्व करके आप साइज निकाल सकते हो इट वर्क्स बोथ वे आपको मेमोरी का साइज दिया तो एड्रेस बिट निकाल सकते हो और एड्रेस बिट दिया है तो आप मेमोरी का साइज कैलकुलेट कर सकते हो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है इसके लिए हम इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस डाल रहे हैं सो आई होप ये फर्स्ट वाला पार्ट सबको क्लियर है नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी मेमरी वाला पार्ट मेन मेमरी का साइज एंड फिजिकल एड्रेस का बिट का रिलेशन नाउ वी विल गो हैड टू अंडरस्टैंड कि मेन मेमरी को जब हम कैश में पुट करते तो कैसा पुट करते सो मेन मेमरी के कंटेंट को जब हम कैश मेमरी में पुट करते तो कैसा पुट करते।, so, करते तो, करते। so, हम, करते तो करते। so, हम क्या करते कि मेन मेमरी को एक सेक्शन ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता जैसे यहाँ पे लोग ने दिया कि ये जो मेन मेमोरी है उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक ब्लॉक में के वर्ड्स है ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे एक ब्लॉक में के वर्ड्स है तो ये पूरा ब्लॉक यहाँ पे कॉपी होगा किस में कैश मेमोरी में और कैश मेमोरी में जो सेगमेंट्स है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग लाइन्स बोलते हैं तो कैश के लाइन्स है ये कैश लाइन्स और हर एक लाइन को आप देखोगे लाइन नंबर दिया हुआ है लाइन नंबर के साथ साथ यहाँ पे टैग भी दिया हुआ अब ये टैग आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे वो रिक्वायर्ड डेटा है कि नहीं जैसे हमने बोला था कि सीपीयू ने फिजिकल एड्रेस जनरेट किया तो मेन मेमोरी में चेक करने के बजाय पहला कहाँ पे चेक होता है कैश में तो कैश में है कि नहीं कैसे पता चलेगा तो वो टैग बिट्स के हेल्प से वो पता लगाया जाता सो so, यहाँ पे अगर के वर्ड्स है एक ब्लॉक में तो यहाँ पे भी जो एक ब्लॉक है वो कितने का होगा के वर्ड्स यानी एक लाइन का साइज यहाँ पे कितना होगा के वर्ड्स का तो यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाता है क्या है वो लाइन साइज दिस इज इक्वल टू ब्लॉक साइज तो यहाँ पे लाइन ब्लॉक साइज था के वर्ड्स का तो लाइन साइज भी कितना हो गया के वर्ड्स का तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अ मेमरी जिसमें सिक्सटी फोर वर्ड्स है विल ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो सो डब्ल्यू जीरो डब्लू वन डब्लू टू डब्बू थ्री ऐसे करके टोटल हमारे पास सिक्सटी फोर वर्ड्स है तो अगर जीरो से काउंटिंग चालू कर रहे हो तो डब्लू सिक्सटी थ्री तक काउंटिंग जाएगा और क्योंकि सिक्सटी फोर लोकेशन है इस सिक्सटी फोर को हम पावर ऑफ टू में लिखेंगे तो क्या बनेगा टू रेस टू सिक्स सो नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स यहाँ पे कितने होंगे सिक्स हो जाएंगे अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं चार का एक ब्लॉक ले रहा हूं चार वर्ड्स एक ब्लॉक बना रहे यहाँ पे तो ये जो पहला वाला ब्लॉक है आई कैन राइट दिस इज ब्लॉक जीरो दूसरा देन यू विल ब्लॉक टू ऐसे करके कि कितने ब्लॉक्स बनेंगे तो आप 64 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएगा 64 बाय 4 कर देंगे तो 16 हो जाता है क्योंकि हम ब्लॉक जीरो से चालू किया तो जो लास्ट वाला ब्लॉक होगा उसका नंबर होगा ब्लॉक नंबर 15 आई होप ये क्लियर है टोटल 64 वर्ड्स है हमने चार चार का ग्रुपिंग किया है तो एक ब्लॉक में चार वर्ड है तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे मिलेंगे टोटल वर्ड्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज तो सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर गिव अस सिक्सटीन तो ब्लॉक नंबर जीरो से लेके फिफ्टीन ब्लॉक्स है अपने पास अभी तक हमने बात किया कि हमारा जो फिजिकल एड्रेस है इन दिस एग्जाम्पल वो कितने बिट्स का है Six बिट्स का है और ये जो फिजिकल एड्रेस है ये डिवाइड होता है दो पार्ट में तो किस में डिवाइड होता है कौन से दो पार्ट है राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड ऑफसेट और पहला वाला ब्लॉक नंबर एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट से मेन मेमोरी को W2 टू एक्सेस करना है सो so, W2 का एड्रेस क्या होगा क्योंकि हम काउंटिंग जीरो से चालू कर रहे हैं तो पहले वाले को बिट ही मिलेगा बराबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः बिट का एड्रेस होना चाहिए हमने ऑलरेडी बोला जीरो तो पहला एड्रेस जीरो से ही रहेगा दूसरे वाले का एड्रेस वन रहेगा देन यू है W2. इसका एड्रेस आ जाएगा टू तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये कहाँ से आ रहा है तो ये सी से आ रहा है और ये सी से जब आता है तो ये डिवाइड होता है दो पार्ट में एक होता है ब्लॉक नंबर और दूसरा होता है वर्ड ऑफसेट अब ब्लॉक नंबर के लिए कितना बिट दे रहे और वर्ड ऑफसेट के लिए कितना बिट दे रहे ये कैसे डिफाइन होगा तो यहाँ पे हमारा और एक फॉर्मूला आ जाता है कि ब्लॉक साइज आप देखो कितना है तो ब्लॉक साइज अभी के लिए तो हमारा कितना है तो वो है फोर वर्ड और इसी को आप पावर ऑफ टू में लिख दो तो पावर ऑफ टू में लिखा तो क्या आ गया टू रेस टू टू तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स हम असाइन करेंगे वर्ड ऑफ सेट के लिए वो कितना हो गया टू हो गया ठीक है तो दो बिट यहाँ पे असाइन हो जाएगा तो टोटल छः में से बचे हुए चार बिट किस लिए आ गए ब्लॉक नंबर के लिए आ गए तो अब ये एड्रेस आप ऑब्जर्व करो अगर तो पहले के जो चार बिट है वो क्या है फोर जीरोज और नेक्स्ट के जो दो बिट है वो क्या है वन जीरो अब ये फोर जीरोज क्या होता है हमने क्या बोला था यहाँ पे ब्लॉक नंबर सो ये चार जीरो मतलब जीरो ही हो गया तो वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है ब्लॉक नंबर जीरो और ये जो वन जीरो है ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि उस ब्लॉक में कौन सा वाला वर्ड है तो पहले वाले वर्ड का तो हमने नंबरिंग दिया है जीरो जीरो दूसरे ब्लॉक का नंबरिंग रहेगा जीरो वन तीसरे का रहेगा वन ज़ीरो और लास्ट वाले का रहेगा वन वन तो ये वन जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू टू सो आई होप ये क्लियर है विथ एग्जाम्पल कि जो एड्रेस आ रहा है फिजिकल एड्रेस आ रहा है सी से वो कैसे डिवाइड होता है दो पार्ट में ब्लॉक नंबर और वर्ड ऑफसेट वर्ड ऑफसेट बिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो ब्लॉक साइज से अगेन जो भी है नंबर राइट इट इन पावर ऑफ टू और उसका जो पावर है वो आपको बताएगा कितने बिट्स लगेंगे उसके लिए और बचा हुआ बिट्स आ जाएगा ब्लॉक नंबर के लिए आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है ना और आपको समझ में आ गया हम क्या बात कर रहे हैं ये हो गया मेमोरी साइड का बात तो ये पूरा ब्लॉक उठा के ये लोग क्या करने वाले है एक लाइन में पुट करने वाले अब कौन से लाइन में पुट करने का अगर मेमोरी फुल हो गई तो एक्स्ट्रा लाइंस लाने हैं तो कहाँ से लेके आएंगे क्योंकि कैश मेमोरी रिलेटिवली बहुत कम होती है कंपेयर टू मेन मेमोरी तो इसके लिए हम क्या करते हैं अलग अलग मैपिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं तो तीन मैपिंग टेक्निक्स हमें पढ़ना है डायरेक्ट एसोसिएटिव एंड के बी एसोसिएटिव सो so, लेट go गो and एंड स्टार्ट विद first मैपिंग टेक्निक जो है डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक तो डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक में क्या है तो ईच ब्लॉक ऑफ मेन memory इट मैप्स टू ओनली वन कैश लाइन सो अगर वो ब्लॉक होगा कैश में तो वो एक ही स्पेसिफिक प्लेस पे होगा कौन से प्लेस पे होगा तो उसका बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा formula है सो so, हम बात कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी एक कैश लाइन में होगा तो आउट लाइन नंबर तो लाइन नंबर का फॉर्मूला क्या है तो so का है जो भी है जैसे हमने बी जीरो बोला तो वो जीरो ब्लॉक है बी वन बोला तो फर्स्ट ब्लॉक है बी फिफ्टीन बोला तो वो फिफ्टीन ब्लॉक है उसका मॉडल हम लोग ले रहे विथ टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो जैसे हमारे कैश में अभी पिछले वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे चार ही है एल जीरो एल वन एल टू और एल थ्री सो इन दिस केस ये कैसे काम करेगा जरा समझ लेते हैं ये फॉर्मूला से कैलकुलेशन समझने का कोशिश करते हैं हमने देखा था कि हमारा मेमोरी में कितने ब्लॉक्स है बी जीरो से लेके बी फिफ्टीन तो समझ लेते कौन सा वाला ब्लॉक किधर जाएगा तो अगर मैं जीरो वाले ब्लॉक का बात करूँ तो जीरो मॉड टोटल नंबर ऑफ लाइन हमने बोल दिया क्या है फोर आई होप आपको पता है जीरो मॉड फोर क्या देता है इट गिव्स यू दी रिमाइंडर तो जब जीरो को आप फोर से डिवाइड करोगे इट गिव्स अ जीरो एंड अंडर फोर जीरो ब्लॉक कहाँ पे जाएगा लाइन नंबर जीरो अगर कभी भी पुट करना पड़ा तो बी जीरो लाइन नंबर जीरो में ही आएगा वॉट अबाउट ब्लॉक नंबर वन बी वन कहाँ पे जाएगा तो वन को अगर आप फोर से डिवाइड करोगे तो आप फोर जीरो जीरो यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा one ही मिलने वाला वाला वाला, so, तो मिलने वाला है यानी फर्स्ट ब्लॉक ब्लॉक पे जाएगा लाइन नंबर नंबरली बी टू ब्लॉक कहां पे जाएगा सो टू को फोर से डिवाइड करोगे तो सेम चीज हो जाएगा आपको रिमाइंडर मिलने वाला है टू तो ये कहाँ पे जाएगा लाइन नंबर टू पे सिमिलरली बी थ्री कहां पे जाएगा लाइन नंबर थ्री में फोरथ यानी फोर का अगर हम लोग बात करें तो फोर डिवाइडेड बाय फोर क्या हो जाएगा फोर वन जा फोर हो जाता है हम इंटरेस्टेड है रिमाइंडर में रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पे जीरो यानी बी फोर वाला ब्लॉक कहाँ पे जाएगा तो वो जाएगा तो कहाँ पे जाएगा लाइन जीरो में अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मैं बी जीरो भी पुट कर सकता हूँ साथ में बी फोर भी पुट कर सकता हूँ वो साथ में नहीं आएगा आइदर इट विल बी बी जीरो और इट विल बी बी फोर सिमिलरली बी वन यहाँ पे आएगा या तो क्या आएगा बी फाइव बी सिक्स और लास्ट वाले में बी सेवन सिमिलरली वी हैव बी एट बी नाइन बी टेन एंड बी एलेवन देन वी हैव बी ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन हमारे एग्जाम्पल में सिक्सटीन ब्लॉक्स ही थे तो बी जीरो से बी फिफ्टीन हमने अकाउंट कर लिया तो मेन मेमोरी से अगर कोई ब्लॉक आ रहा है तो ब्लॉक जीरो अगर आएगा तो बाई डिफॉल्ट कहा पे आएगा लाइन जीरो में आएगा बी सिक्स अगर आ रहा है तो कहां पर आएगा लाइन टू में आएगा अगर फिफ्टीन बी फिफ्टीन वाला ब्लॉक आ रहा है तो बाई डिफॉल्ट आएगा लाइन थ्री में आएगा ये ऑलरेडी डिफाइंड है बाय दिस फॉर्मूला तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग है यू हैव कैलकुलेशन ज्यादा इधर उधर चेक करने का जरूरत नहीं है सो यू हैव एड्रेस इन टू पार्ट्स ये हमने ऑलरेडी देखा था लीस्ट सिग्निफिकेंट डब्लू बिट्स जो होते हैं वर्ड वाले बिट्स यूनिक वर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको हम वर्ड ऑफसेट बोल रहे थे पिछले स्लाइड में और मोस्ट सिग्निफिकेंट एस एस बिट आपको बताता है ब्लॉक के बारे में ब्लॉक नंबर है ना तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक नंबर और वर्ड ऑफसेट ये दो पार्ट में फिजिकल एड्रेस क्या होता है डिवाइड होता है now when we go on the cache memory ka side for direct mapping ye jo msb wala part tha msb wala part matlab jahan pe block number likha tha to wo block number aur do part mein divide ho jata hai ek hai cache line aur dusra hai tag bits so agar main wo physical address का बात करूं तो पहले physical address divided था दो ही part में एक था वर्ड ऑफसेट और दूसरा था ब्लॉक नंबर बताने के लिए बिट्स नाउ दिस ब्लॉक नंबर वाला बिट्स ऑन द कैश मेमोरी साइड इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स एक बताएगा लाइन नंबर और दूसरा बताएगा टैग सो यहाँ पे वी विल हैव टैग बिट्स एंड वी विल हैव लाइन नंबर बिट्स

तो ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जीरो जीरो ये वाला जीरो वन ये वन जीरो और ये वन वन इनफ है यानी दो बिट क्या है इनफ है तो इसको हम क्या दे देंगे दो बिट दे देंगे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर टोटल बिट सिक्स था तो वर्ड ऑफ सेट के लिए हमने दो बिट दिया लाइन के लिए दो बिट दिया तो बच गया जो टैग है उसके लिए भी हमने क्या कर दिया दो बिट दे दिया आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है लेट एस क्विकली अंडरस्टैंड दी वर्किंग ओवर ईयर सो दिस इज द मेन मेमोरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और इसको यहाँ पे डिवाइड किया है ब्लॉक्स में अब जो भी मेमोरी से एड्रेस आएगा जैसे हमने बोला पहले तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है वर्ड ऑफ सेट और ब्लॉक नंबर तो एस आपको बताता है कौन सा वाला ब्लॉक बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री से लेके कौन सा वाला ब्लॉक और उस पर्टिकुलर ब्लॉक में कौन सा वाला वर्ड वो डब्ल्यू बताता है ठीक है वर्ड ऑफ सेट राइट डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक कैसे वर्क करता है तो डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक में हमने बोला कि जो ब्लॉक नंबर वाला पार्ट था उसको हम डिवाइड करते और दो पार्ट पे पहला है टैग और दूसरा है लाइन नंबर तो इससे क्या होगा तो सबसे पहला जैसे ही एड्रेस आएगा कैश के पास इट विल चेक कौन सा वाला लाइन पे होने का उसका पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो फॉर्मूला से ऑलरेडी डिफाइंड है कि कौन से लाइन पे हो सकता है या तो वहां पे होगा या तो नहीं होगा तो वो क्या करने वाला है हार्डवेयर यहाँ पे हार्डवेयर क्या करता है उस पर्टिकुलर लाइन से जाके उस पर्टिकुलर लाइन का आइडेंटिफायर बिट यानी टैग बिट लेके आएगा और जो टैग बिट मेमोरी में दिया हुआ है एड्रेस में दिया हुआ है उससे कंपेयर करेगा नाउ अगर कंपेयर हो गया या इक्वल आया या मैच आया तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैश हिट हो गया मतलब हमें जो इंटेंडेड है इंस्ट्रक्शन वो यहीं पे अवेलेबल है बट इस ब्लॉक में अवेलेबल है वो पता चला कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको ऑफसेट देखना पड़ेगा तो वो ऑफसेट आपको यहाँ से मिल जाएगा वंस इट इज़ हिट वो वर्ड ऑफसेट लेके वो पर्टिकुलर वर्ड यहाँ से पिक करके दे दिया जाता है किसको सीपीयू को ना इन केस हिट नहीं हुआ मैच नहीं हो रहा देन इन दैट केस उसको हम क्या बोलते हैं मिस इन कैश और मिस होने के बाद क्या करेंगे तो वो जाएगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एड्रेस उसके पास ऑलरेडी है ब्लॉक नंबर और वर्ड नंबर तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो पर्टिकुलर वर्ड को लेके सीपीयू को दे देगा नाउ वाइल डूइंग दिस इट विल आल्सो कॉपी दिस एंटायर ब्लॉक इनटू द कैश मेमोरी अब कैश मेमोरी में वो कौन से लाइन में जाएगा जैसे हमने बोला उसका ऑलरेडी फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला हमने बोला लाइन नंबर इज नथिंग बट ब्लॉक नंबर न्लॉक ऑफ टोटल लाइंस ठीक है हमने इसका कैलकुलेशन भी देखा आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको नाउ लेट अस क्विकली डू अ कपल ऑफ सम्स ओवर ताकि हमको और क्लियर हो जाए और यहाँ पे हम शायद एक दो और फॉर्मूलाज भी देख ले सो so, यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग दिया हुआ है टेक्निक अब इसमें कैश मेमोरी का साइज है सिक्सटीन के बी विथ अ ब्लॉक साइज ऑफ टू फिफ्टी सिक्स बाइट्स ठीक है सो जैसे हमने बोला था सबसे पहला फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे वो क्या था सबसे पहला मेथड क्या था कि ब्लॉक साइज अगर हम लोग को दिया है कितना है वो टू फिफ्टी सिक्स बाइट्स का अब ये बाइट एड्रेसेबल हो गया है हर एक लोकेशन पे वन बाइट है वन वर्ड जो हम बात कर रहे थे इन जनरल वो यहाँ पे वन बाइट है सो so, ये 256 फिफ्टी बाइट्स को हम लिख सकते हैं एज टू रेस टू एट बाइट्स यानी एट बिट्स चाहिए हम लोग को किसके लिए वर्ड ऑफ सेट के लिए आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको तो हमने जैसे बोला था अगर ये फिजिकल एड्रेस है फिजिकल एड्रेस के तीन पार्ट होंगे पहला पार्ट तो हमको मिल गया वर्ड ऑफ सेट का एंड इट इज ऑफ हाउ मच इट इज़ ऑफ एट बिट्स अब सेकेंड पार्ट है कि लाइन वाला जो फील्ड है वो भी फाइंड कर ले तो लाइन वाले फील्ड के लिए हमको क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे कैलकुलेट करें दिया नहीं है डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज नथिंग बट कैश मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाय हर एक लाइन का साइज या लाइन साइज इज ब्लॉक साइज हमें ऑलरेडी पता है तो हम यहाँ पे ब्लॉक साइज यूज करने वाले तो कैश मेमरी का साइज कितना है तो कैश मेमोरी का साइज यहाँ पे दिया हुआ है 16 KB. और लाइन का साइज कितना है तो वो है टू फिफ्टी फॉर्मूला कहाँ से आया तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बहुत सारे लाइंस है और हर एक लाइन की कुछ कैपेसिटी है ठीक है तो समझो अगर इसमें मैं टेन बाइट रख रहा हूँ इसमें टेन बाइट रख सकता हूँ और ऐसे मेरे पास 10 लाइंस तो जनरली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 10 बाइट्स 10 यानी कितना हो गया 100 बाइट्स का कैपेसिटी हो गया तो यहाँ पे हमने कैश का साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैश का साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइन साइज नंबर ऑफ लाइंस बराबर है यहाँ पे अगर मैं 10 बाइट्स रख सकता हूं और ऐसे मेरे पास 10 लाइंस है तो टोटल साइज क्या हो जाएगा 10 10 100 बाइट्स सो so, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया ना कि कैश साइज इज इक्वल टू एक लाइन का साइज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस सो यहीं से हमने रीअरेंज करके वो फॉर्मूला लिया है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो कैश का साइज डिवाइडेड बाय सिंगल लाइन का साइज एंड दैट इज वॉट वी आर यूजिंग ओवर यर अब यहाँ पे डिवाइड करना डिफिकल्ट लगे तो इसको पावर ऑफ टूज में कन्वर्ट कर लेना सो सिक्सटीन इज टू रेज टू फोर कि हमने जैसे बोला था वन केन डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स को हम लिख सकते हैं टू रेज टू एट बाइट्स है ना तो ऊपर हो गया टू रेज टू फोर्टीन और नीचे है टू रेज टू एट देर फॉर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो गए यहाँ पे टू रेज टू सिक्स तो टू रेज टू सिक्स लाइन्स है जैसे टू रेज टू एट बाइट्स थे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एट बिट लग रहा था वैसे ही टू रेस्ट टू सिक्स लाइंस है तो उनके नंबर्स बताने के लिए लाइन नंबर जीरो लाइन नंबर वन बताने के लिए हरेक को अलग एड्रेस देने के लिए नंबर देने के लिए बिट्स में डिस्क्राइब करने के लिए हमको जो नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे वो कितने लगेंगे सिक्स लगेंगे देर फॉर सिक्स बिट्स आर नीडेड फॉर लाइन फील्ड तो छः बिट यहाँ पे लग जाएगा अब हम लोग को आई होप यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको अब नेक्स्ट पार्ट क्या है तो और एक चीज़ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है साइज ऑफ मेन मेमरीज वन ट्वेंटी एट सो मेन मेमरी का साइज यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी है तो इसको भी हम क्या करेंगे पावर ऑफ टू में लिखेंगे सो वन ट्वेंटी एट इज रिटन एज टू रेज टू सेवन के इज रिटन एज टू रेज टू टेन और यहाँ पे है ये बाइट्स सो ये हो जाएगा टू रेस टू सेवनटीन बाइट्स और ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि टोटल साइज़ अगर टू रेस टू सेवनटीन बाइट्स है तो हर एक लोकेशन को एड्रेस देने के लिए हमको कितने बिट्स लगेंगे सेवनटीन बिट्स तो जो फिज़िकल एड्रेस है बेसिकली कितने बिट्स का हो गया सेवनटीन बिट्स सो ये जो टोटल है नंबर ऑफ़ बिट्स वो कितना है सेवेंटीन बिट्स है सो so, टोटल है ये सिक्स है ये एंड आर तो बचा हुआ जो टैग के बिट्स है वो कितने हो जाएंगे थ्री सो देर फॉर टैग बिट्स कितने यूज कर रहे हैं हम लोग थ्री बिट्स सो पहला चीज वही पूछा था नंबर ऑफ बिट्स इन टैग एंड फाइनली जो ये क्वेश्चन बार बार ये लोग पूछेंगे वो होगा टैग का डायरेक्टरी अब टैग का डायरेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे टैग कर डिरेक्ट्री का मतलब क्या होता है जरा समझ लेते हैं वन सेकेंड हम लोग कैश मेमोरी पे जाएंगे डायग्राम पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक लाइन के लिए टैग्स दिया हुआ हर एक लाइन के लिए एक आइडेंटिफायर टैग है हर एक लाइन के लिए एक आइडेंटिफायर टैग है हर एक लाइन के लिए एक टैग है. है ठीक है सो टैग डायरेक्टरी मतलब कितना एडिशनल मेमोरी लग रहा है हम लोग को ये टैग बिट्स को स्टोर करने के लिए सो so, यहाँ पे हर एक लाइन को टैग दिया हुआ है और टैग के अपने कुछ नंबर ऑफ बिट्स है ठीक है तो टैग डायरेक्टरी का यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बन के आता है कि टैग डायरेक्टरी होता है नंबर ऑफ लाइंस लाइंस और हर एक में कितने टैग है, बिट्स है ना तो जैसे हमारे एग्जांपल में तीन टैग बिट्स है और ऐसे सौ लाइंस है तो थ्री इन हंड्रेड थ्री हंड्रेड बिट्स हो जाता है सो लेट इज नंबर ऑफ लाइन्स इन टैग बिट्स तो नंबर ऑफ लाइंस तो हमें यहाँ पे मिला था क्या मिला था टू रेस टू सिक्स और नंबर ऑफ टैग बिट्स कितने हैं थ्री थ्री सो बिट्स और ऐसे कितने लाइंस है टू रेस टू सिक्स टू रेस टू सिक्स हमें पता है कि सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर होता है एंड सिक्सटी फोर इन टू थ्री विल गिवी टू बिट्स ना इफ पॉसिबल आप इसको डिवाइड बाय एट करके चेक कर सकते हो कि ये बाइट्स में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं क्योंकि हमें पता है कि एट बिट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बाइट बोलते हैं बराबर है सो वन नाइन्टी टू बाई एट अगर आप करोगे तो ये आपको ट्वेंटी फोर आ जाएगा तो टैग डायरेक्टरी यहाँ पे कितना हो गया ट्वेंटी फोर बाइट्स का आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ब्लॉक साइज अगर आपके पास है तो आप वर्ड ऑफ सेट के बिट्स कैलकुलेट कर सकते हो दूसरा अगर आपके पास कैश का साइज़ और लाइन का साइज़ है तो आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हो और लाइन फील्ड के लिए कितने बिट्स है वो निकाल सकते हो मेन मेमोरी है तो आप फिज़िकल एड्रेस के बिट्स निकाल सकते हो और तीन चीज़ के बिट्स मिल गए तो चौथे के आप कैलकुलेट कर सकते हो तो चार चीज़ें टोटल एक है फिजिकल एड्रेस का बिट्स एक है टैग का बिट्स एक है लाइन फील्ड का बिट्स और एक है वर्ड ऑफसेट का बिट्स तो आपको डेटा दिया रहेगा जनरली तीन के लिए तो आपको चौथा फाइंड करना रहेगा एंड इवेंचुअली यू विल हैव टू फाइंड आउट टैग डायरेक्टरी जिसके लिए ये सिंपल सा है इज नंबर ऑफ लाइंस इनटू टैग बिट्स फॉर ईच लाइन आई होप दिस इज क्लियर बेस्ड ऑन दिस एक और न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं कंसिडर अ डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज फाइव वन टू के बी जिसका ब्लॉक साइज है वन के बी देर आर सेवन बिट्स इन द टैग अब ये बार आप देखोगे तो टैग बिट्स ऑलरेडी दे दिया तो वंस अगेन वी हैव थ्री थिंग्स एक होता है टैग दूसरा है लाइन फील्ड और फाइनली है वर्ड ऑफ सेट तो वर्ड ऑफ सेट हमने क्या बोला था आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ब्लॉक साइज से सो ब्लॉक साइज है वन के बी विच इज टू रेस टू टेन बाइट्स ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था और टू रेस टू टेन बाइट्स है मतलब मुझे यहाँ पे कितने बिट्स लगने वाले ऑफसेट के लिए सो वी विल बी नीडिंग टेन बिट्स फॉर वर्ड ऑफ सेट टैग बिट्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सेवन का नेक्स्ट आता है लाइन बिट्स तो लाइन बिट्स के लिए सबसे पहले हम लोग फाइन कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स सो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमने क्या बोला तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है कैश का साइज कैश साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज कैश का साइज दिया हुआ है लोग ने फाइव वन टू के बी और ब्लॉक का साइज है या लाइन का साइज है वन के बी ठीक है रिमेंबर दिस रूल ब्लॉक साइज इज लाइन साइज क्योंकि एक ब्लॉक मेन मेमोरी से उठा के एक सिंगल लाइन में जाता है कैश में तो ये KB, KB यहां के बी के भी यहाँ पे कैंसिल होके फाइव वन टू बचा फाइव एंड टू को हम लिख सकते हैं टू रेस टू नाइन सो देर आर टू रेस्ट टू नाइन लाइन और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया नाइन और सेवन और नाइन होगा सिक्सटीन और टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स सो ओवरऑल जो फिजिकल एड्रेस है उसका बिट्स कितना है ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी सो so, अगर टोटल बिट्स ट्वेंटी सिक्स यूज कर रहे हैं तो मेन मेमोरी का हम साइज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या यस yes. कैसे कर सकते हैं जैसे हमने बोला था इसको आप खाली पावर ऑफ टू में लिख दो सो so, वो कितना हो गया टू रेस टू ट्वेंटी सिक्स टू रेस टू ट्वेंटी सिक्स को हम टू रेस टू ट्वेंटी और टू रेस टू सिक्स में स्प्लिट कर सकते हैं टू रेस टू सिक्स तो जैसे हमने बोला हो जाएगा सिक्सटी फोर और टू रेस टू ट्वेंटी इज मिलियन या मेगा सो मेन मेमोरी का साइज यहाँ पे हो गया सिक्सटी फोर एम बी सो हमें ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट मिल गया एंड फाइनली वी नीड टैग डायरेक्टरी साइज सो टैग डायरेक्टरी का क्या हमला बोला था हमने नंबर ऑफ लाइंस इनटू हर एक लाइन के लिए जो टैग बिट्स लग रहा तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कितने हैं टू रेस टू नाइन नाइन मत लेना प्लीज इट इज टू रेस टू नाइन और हर एक के लिए टैग बिट्स कितना है सेवन टू रेस टू नाइन इज फाइव वन टू तो हमें फाइव वन टू इंटू सेवन करना पड़ेगा एंड माइंड यू ये बिट्स है नाउ सेवन फाइव इज थर्टी एंड ट्वेल्व सेवन इज एटी तो ये हो जाएगा थ्री बिट्स इसको अगर हम एट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर फोर्टी एट अभी सो एकदम से क्लियर है कि थियोरेटिकली हाउ इट वर्क्स और न्यूमरिकली आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते दस मार्क का न्यूमरिकल आता है कई बार पूछा है काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ लेट गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग सो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में जाने का क्या ज़रूरत है तो ज़रूरत यह है कि यहाँ पे एक ब्लॉक एक ही लोकेशन पे असाइन हो रहा है so, सो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये तो अच्छी बात है असाइन है करके नाउ द प्रॉब्लम इस कि लेटेस्ट से पहले उसने B0 लेके आया उसके बाद में वो B1 लेके आया और उसके बाद में उनको B4 चाहिए तो B4 लाएंगे लाएँगे कहाँ पर लाएँगे यहाँ पर ले आएंगे तो जब यहाँ पे लेके आएंगे तो B0 को क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा अब जब बी ज़ीरो यहाँ से चला गया तो अभी एग्जिस्टिंग में यहाँ पे बी फोर है और यहाँ पे बी वन है ना अस से उनको अभी बी ज़ीरो वापस से चाहिए तो वो अब क्या करेंगे बी ज़ीरो को लाएंगे तो कहाँ पे लेके आएंगे यहीं पे लेके आएंगे और क्या करने वाले अब बी फोर को रिप्लेस कर देंगे इवन दो ये दोनों अभी भी खाली है हमने यूज़ नहीं किया हुआ है हम क्योंकि क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शन है हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक को इधर ही इलाके रख रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है तो पहला पॉसिबिलिटी लोगों को लगा कि हम क्या करते कि ये लाइन का रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रखते जो खाली है पहले वो भर देंगे और आगे का बाद में देखेंगे कि अगर सारा फुल हो गया तो नया कोई ब्लॉक आ रहा है तो क्या करेंगे तो जो सबसे कम यूज हुआ उसको निकाल देंगे जिसको हम लोग एल आर यू बोलते हैं यूज मेथड यूज कर सकते हम लोग यूज होते सो विद दिस केम फुल्ली एसोसिएटिव सो मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी लोडेड इन टू एनी लाइन ऑफ कैश कोई दिक्कत नहीं है सो मेमरी एड्रेस इज इंटरप्रिटेटेड एज टैग एंड वर्ड ऑफसेट टैग एंड वर्ड का मतलब हमने जो बात किया था कि मेन मेमरी दो पार्ट में डिवाइड होता है ना एक होता है वर्ड का ऑफसेट और दूसरा क्या रहता है ब्लॉक नंबर ठीक है ये तो मेन मेमरी के साइड पे हो गया कैश में जाके ये डिवाइड हो रहा था फॉर डायरेक्ट मेमरी बट यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा वही जो ब्लॉक नंबर है वही बन जाएगा टैग नंबर क्योंकि अब यहाँ पे किसी भी लाइन पे हो सकता है कैश के किसी भी लाइन पे डेटा हो सकता है ब्लॉक हो सकता है तो लाइन नंबर बता नहीं सकते सो so, क्या करना पड़ेगा तो हर एक लाइन में जाके क्या करना पड़ेगा उसको चेक करना पड़ेगा जब हर एक लाइन में जाके चेक करेंगे सो एवरी लाइन टैग इज एग्जाम फॉर अ मैच

सारे टैग्स ला के क्या होने वाले गिवन एड्रेस थे वो क्या होते हैं कंपेयर होते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपेरिजन्स है वो बढ़ जाता है जैसे हमने पिछला ही एग्जाम्पल देखा वहाँ पे टू रेस टू नाइन लाइन्स थे यानी फाइव एंड टू लाइन्स थे यानी फाइव एंड टू कंपेरिजन्स करने पड़ सकते अगर ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो एंड इसकी वजह से हार्डवेयर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता एंड इसकी वजह से टैग का साइज जो है वो बढ़ जाता है जो हमने टैग डायरेक्टरी कैलकुलेट किया था वो उसका साइज़ भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है बाकी पार्ट से में अगर हिट हो गया तो वो वर्ड ऑफसेट ले लेगा और उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके सीपीयू को दे देगा अगर मिस हो गया देन इन दैट केस इट विल गो टू मेन मेमोरी वाला पर्टिकुलर ब्लॉक और उस ब्लॉक में उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके जाएगा सीपीयू को दे देगा दे एंड पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे जगह अवेलेबल है कैश मेमोरी में mm -hmm. तो यहाँ पे भी वर्किंग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है बट द थिंग इज जो फ्लेक्सिबिलिटी मिला है कोई भी लाइन यूज करने का इट इज कमिंग विद एन डिसएडवांटेज की यहाँ पे दो डिसएडवांटेज हो गया कि टैग का साइज बढ़ गया यानी टैग डायरेक्टरी बढ़ गई दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ कंपेरिजन्स हर टाइम बहुत ज्यादा हो गए सो हार्डवेयर एक्सपेंसिव हो जाता है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी इसके ऊपर एक दो न्यूमरिकल भी देख लेते हैं फॉर्मूलाज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है अब वो लाइन नंबर वाला बिट नहीं रहेगा फिजिकल एड्रेस में अब हमारे पास दो ही चीज रहेंगे एक है वर्ड ऑफ सेड और दूसरा जो भी है वो है टैग फील्ड तो यहाँ पे देख लेते क्या दिया है फुली एसोसिएटिव है कैश का साइज है सिक्सटीन के बी एंड ब्लॉक का साइज है टू फिफ्टी सिक्स सो वन सेकेंड आपको ब्लॉक साइज दिया हुआ है तो ब्लॉक साइज है टू फिफ्टी सिक्स

यानी ये कितना हो गया टोटल टू रेस टू सेवनटीन सो बिट्स कितने लगेंगे फिजिकल एड्रेस के लिए हमको कितने बिट्स लगने वाले हैं यहाँ पे सेवनटीन बिट सो अगर टोटल यहाँ पे सेवनटीन है ऑफसेट में एट लग रहा है तो बचे हुए जो नाइन बिट्स है वो कहाँ यूज होंगे टैक्स के लिए देर फोर टैक्स फील्ड के लिए हमको नाइन बिट्स लगने वाला So, हमारा पहला काम हो गया नंबर ऑफ बिट्स इन टैग और फाइनली हमें फाइंड कितना लग रहा है सो टैग बिट्स तो हमें पता है कि नाइन है बट नंबर ऑफ लाइन्स तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया सो इवन दो यहाँ पे लाइन का फील्ड नहीं है नंबर ऑफ लाइन हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या था? कैश का साइज डिवाइडेड बाय लाइन या फिर ब्लॉक का साइज। लाइन और ब्लॉक का साइज सेम होता है। कैश का साइज है 16 के बी डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज है 256 बाइट्स। 16 में 2 रहे टू 4 और के इस 2 रहे टू 10 तो ये हो गया 2 रहे टू 14 एज टू रेस्ट टू एट तो ये आ जाएगा मतलब कितना हो गया है यहां पे 64. So 64 lines है और हर एक लाइन के लिए हमें नाइन बिट लग रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन सिक्स फिफ्टी फोर और थर्टी सिक्स तो ये आ जाएगा फाइव सेवेंटी सिक्स बिट्स और इसको डिवाइड करके अगर हम चेक करें कि ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एट सेवन जै फिफ्टी सिक्स और एट टू जिक्सटी तो ये हो गया सेवनटी टू बाइट ना इफ़ यू कंपेयर सेम न्यूमेरिकल हमने डायरेक्ट मैपिंग में किया था वहाँ पे टैग बिट्स थ्री थे तो वहाँ पे जो साइज आ रहा था टैग डायरेक्टरी का वो ट्वेंटी फोर था सेम न्यूमेरिकल है फुल्ली एसोसिएटिव से किया तो टैग डायरेक्टरी का साइज बढ़ गया यहाँ पे सो विच इंक्रीज कॉस्ट ऑल्सो ना अस मूव नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे ब्लॉक साइज हम लोग को दिया है फोर के बी सो ब्लॉक साइज है तो यह तो यहाँ पे कितने बेट्स लगेंगे ट्वेल्व बेट्स फॉर वर्ड ऑफ सेट वंस अगेन फुल्ली एसोसिएटिव है तो दो ही पार्ट है एक है वर्ड ऑफ सेट और दूसरा है टैक फील्ड सो वर्ड ऑफ सेट तो डायरेक्टली मिल गया ट्वेल्व बिट्स और मेन मेमोरी का साइज भी दे दिया सो मेन मेमोरी 30 तो so ये टोटल हो गया टू रेज टू थर्टी फोर सो फिजिकल एड्रेस के लिए हम लोग को कितने बिट्स लगने वाले हैं यहाँ पे थर्टी फोर बिट्स So, अगर टोटल थर्टी फोर है जिसमें से ट्वेल्व हम लोग वर्ड ऑफ सेट के लिए यूज कर रहे हैं तो थर्टी फोर माइनस ट्वेल्व कितना बचा ट्वेंटी टू बिट्स सो टैग बिट्स यहाँ पे कितने हो गए ट्वेंटी टू के सो नंबर ऑफ बिट्स इन टैग हम लोग को मिल गया यहाँ पे ट्वेंटी टू बिट्स आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट पार्ट पे चलते अब क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे टैक्स साइज बहुत ज़्यादा हो गया कंपेरिजन्स बहुत ज़्यादा करने हैं सारे टैक्स के कंपेयर करने हैं सारे लाइन्स के सो वॉट इज दोल्यूशन तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे विच इज़ सेट एसोसिएटिव सेट एसोसिएटिव मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो पूरा कैश मेमरी है उसको हम डिवाइड करते हैं इन नंबर ऑफ सेट्स इंटू अ नंबर ऑफ सेट्स एंड ईच सेट कंटेन्स अ नंबर ऑफ लाइन्स तो हर एक सेट में कितना लाइंस रहेगा वो डिफाइन होता है कि हम कितना कौन सा वाला सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं तो अगर हम टू वे सेट एसोसिएटिव यूज कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है टू वे एसोसिएटिव मैपिंग लिया तो हर एक सेट में दो ही लाइन होगा सो जनरल जनरल फॉर्मूला है के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक जाइए तो बेसिकली ये क्या रहता है सेट का स्ट्रेंथ रहता है कि एक सेट में कितने लाइन्स है सो टू वे में एक सेट में दो ही लाइन रहेगा इसका क्या मतलब है कि पहले जो एक गिवन ब्लॉक डायरेक्ट मैपिंग में किसी लाइन को अलोकेट होता था हमारे पास फॉर्मूला था अब वो किसी लाइन को नहीं अलोकेट होगा एक गिवन ब्लॉक एक सेट को अलोकेट होगा तो एक गिवन ब्लॉक किसी सेट को अलोकेट होगा वो उस सेट के अंदर किसी भी लाइंस में रह सकता है सो अ गिवन ब्लॉक कैन बी इन ओनली वन सेट बट इन एनी ऑफ दी टू लाइंस तो यहाँ पे कौन सा वाला सेट में जाएगा वो कैसे पता चलेगा तो वन सेकेंड इसके लिए फॉर्मूला जैसे हमारे पास पहले वाले में फॉर्मूला था लाइन नंबर के लिए वैसे यहाँ पे अब फॉर्मूला है सेट नंबर के लिए क्या डिफरेंस है पहला फॉर्मूला देख लेते फिर डिफरेंस समझ लेंगे तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले ब्लॉक नंबर मॉडल टोटल नंबर ऑफ सेट्स तो अब टोटल नंबर ऑफ सेट्स आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेट्स कितने रहेंगे तो नंबर ऑफ सेट्स विल बी नंबर ऑफ लाइन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाई के तो जैसे अगर टू वे एसोसिएटिव है तो टू वे एसोसिएटिव में जैसे हमारा एग्जांपल था टू वे एसोसिएटिव तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी और वहाँ पे एग्जाम्पल में हमने चार लाइन लिया था तो बेसिकली कितने सेट्स बनेंगे दो सेट बनेंगे तो हमारा जो कैश मेमोरी था जिसमें चार लाइन थे एल जीरो एल वन एल टू एल थ्री वो दो सेट्स में कैटेगराइज हो जाएगा एस जीरो और एस वन में याद है हमारा एग्जाम्पल में ब्लॉक नंबर्स भी थे कहाँ से कहाँ तक बी जीरो से लेके बी फिफ्टीन तक तो जीरो तो वाला ब्लॉक कहाँ पे जाएगा जीरो वाला ब्लॉक कहाँ पे जा सकता है तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स टू ही है ना जीरो को टू से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा सो पहला वाला ब्लॉक यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है यानी बी जीरो है ना बी वन वाला जो ब्लॉक है वो कहाँ पे जा सकता है तो वो सेट वन में जाएगा तो सेट वन में वो लाइन टू में भी आ सकता है और लाइन थ्री में भी आ सकता है तो जो पहले एक ही एक ही ही लिमिटेशन था कि लाइन में में जाएगा डायरेक्ट मैपिंग वो चला गया अब आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया क्योंकि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें फुल एसोसिएटिव मैपिंग में मिला था बट वी सॉ कि उसका भी डिसएडवांटेजेस है तो यहां पे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है सेट का स्ट्रेंथ हमेशा टू नहीं होगा फोर वे एसोसिएटिव रहेगा तो एक सेट में चार लाइंस होंगे तो वो बी नॉट चार लाइन में कहीं पे भी हो सकता है तो हमें चार का ही चेक करना पड़ेगा कि उसमें है कि नहीं है और नहीं है तो लाके पुट कर दो अगर मांगा है सी ने तो सिमिलरली ब्लॉक नंबर टू कहाँ पे जाएगा तो ब्लॉक नंबर टू जाएगा सेट नंबर जीरो में सो बी टू सेट नंबर जीरो में जाएगा तो वो पहले दो लाइंस में कहीं पे भी हो सकता है तो आपको यही दो लाइन चेक करना एंड दैट इज हाउ दिस वर्क्स So, अगर पे मैं डायग्राम से समझने का कोशिश करूँ तो अब यहाँ पे ध्यान देना जो एड्रेस है वो अब तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है वर्ड तो है ही है वर्ड अब पहले क्या था लाइन नंबर और टैग नंबर था डायरेक्ट मैपिंग में केवे एसोसिएटिव में अब टैग है और सेट नंबर है लाइन आपको ढूंढना पड़ेगा मैपिंग करके आपको फॉर्मुला से ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो कि सेट नंबर क्या होगा

मैच हो गया तो वर्ड ऑफ सेट देख लो उस पर्टिकुलर वर्ड को फेच कर लो अगर नहीं है यहाँ पे मिस हो गया तो जाओ चुपचाप मेन मेमोरी से उस पर्टिकुलर ब्लॉक में उस पर्टिकुलर वर्ड को उठा के सी को दो और पूरा ब्लॉक कॉपी करके कार डाल दो सेट में कौन से सेट में तो उसका फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है तो कौन से सेट में जाएगा दैट इज डिफाइंड बाय ब्लॉक नंबर क्या है मॉडुलस टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है सबको इसके भी न्यूमरिकल्स देख लेते हैं हम लोग सो यहाँ पे टू वे एसोसिएटिव का बात किया है तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई टू हो गई कैश मेमोरी दिया हुआ है मेन मेमरी है वन ट्वेंटी एट के बी सो ये नंबर हम देख रहे हैं कि बार बार रिपीट ही हो रहा है सो so पहला हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉक साइज से तो ब्लॉक साइज है टू फिफ्टी सिक्स बाइट विच इज टू रेज टू एट बाइट्स देयरफॉर कितने बिट्स लगने वाले एट बिट्स फॉर वर्ड ऑफसेट सो जैसे हमने बोला था कि अब जो फिजिकल एड्रेस है वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा लेफ्ट मोस्ट तो टैग है और राइट right मोस्ट क्या है वर्ड ऑफसेट है अब जो मिडल वाला सेक्शन है वो किसके लिए है वो सेट फील्ड है कौन सा वाला सेट पे जाके चेक करना है वो आपको यहाँ से पता चलेगा क्लियर तो ये तो हमको पता चल गया एट बिट है प्लस इन्होंने मेन मेमोरी भी दे दिया तो मेन मेमोरी का साइज जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है वन ट्वेंटी एट के बी वन ट्वेंटी एट इज टू रेज टू सेवन और के इज टू रेज टू टेन तो टोटल हो गया टू रेज टू सेवनटीन बाइट्स तो जो फिजिकल एड्रेस है उसके लिए हमको कितने बिट्स लगने वाले सेवनटीन सो टोटल तो यहाँ पे सेवनटीन बिट्स है लेकिन ये सेट नंबर सेट के लिए बिट्स कैसे निकाले और टैग के लिए बिट्स कैसे निकाले यही ढूंढना तो यहाँ पे लाइन नंबर फॉर्मूला वही रहेगा जो हम पहले यूज कर रहे थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेते नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला आई होप याद है आपको कैश का साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज या लाइन का साइज क्योंकि वो सेज सेम होता है कैश का साइज दिया हुआ है सिक्सटीन के लाइन या ब्लॉक का साइज दिया हुआ है टू बाइट्स सो सिक्सटीन

फाइव सेट्स अब जब टूज टू फाइव सेट्स रहेंगे तो उनके लिए बिट्स लगने वाला है वो कितना एट एंड इज थर्टीन आउट ऑफ टोटल सेवनटीन तो बचे हुए चार बिट्स कहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे देर फोर टैग बिट्स कितने हो गए यहाँ पे Port. और फाइनली टैग डायरेक्टरी टैग डायरेक्टरी का क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ लाइंस इनटू टैग बिट्स जो हर एक लाइन के लिए एसोसिएटेड है सो नंबर ऑफ लाइंस इज टू रेस टू सिक्स टैग बिट्स तो फोर है सो टू रेस टू सिक्स इज 64 फोर इन फोर यहाँ पे सो सिक्स टू फिफ्टी सिक्स बिट्स हो गया अब इसको हम एट से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें आंसर आ जाएगा बाइट्स में सो एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर एंड एट टू जा सिक्सटीन तो ये हो गया टोटल थर्टी टू बाइट्स आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन सबको समझ में आ गया कि हम कैसे अलग अलग मैपिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं थियोरी कैसे वर्क करता है और उसके न्यूमरिकल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ले दे के मेजोरिटी फार्मूला सेम है खाली एक दो फॉर्मूलाज है जो यहाँ पे चेंज होता है नया आता है चेंज भी नहीं होता है नया आता है तो ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया यहाँ पर और एक बात आप नोट करके रखो कि टैग बिट्स आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो तो शायद मार्क्स काट ले तो टैग बिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे फिजिकल एड्रेस बिट्स टोटल बिट्स माइनस वर्ड ऑफ सेट बिट्स माइनस सेट फील्ड बिट्स और फिर वैल्यू डाल के सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर ऐसा दिखा दोगे तो मार्क्स कट करने का ऑप्शन मिनिमम रहेगा ये वाला आपके लिए होमवर्क है प्लीज़ ट्राई करना और सॉल्व करके बताना क्या आंसर आता है इसका इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन लेटेस्ट नो एज ए फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच